हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। अच्छे से सारा वीडियो वॉच करें ताकि वो वाला मेन जो बेस कॉन्सेप्ट है आपका मोल का वो क्लियर हो। ठीक है, तो आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, मैं लिख रखे हैं ऑलरेडी पहले आपसे आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। फटाफट अपन इसके बारे में बात करेंगे। हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, एक था आपका मोल का फॉर्मूला था, मोल इक्वल व्हाट गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये था फॉर्मूला एक। एक था फॉर्मूला मोल ऑफ गैसेस, मोल ऑफ गैस वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन पर 2.4 लीटर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे, राइट। एक और फॉर्मूला है, अगर आपको बहुत से नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और पूछ रहे कितने मोल हैं, तो एक मोल में होते इतने पार्टिकल्स कितने, 6.022×10²। तो इतने सारे पार्टिकल्स है तो कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मोल इज इक्वल टू, एक और लिख लो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022×10²। एक मोल में इतने होते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास मोल आ सकता है। तो उस पर भी एक क्वेश्चन है, तो इतना उतार लो फटाफट, उतारे हुआ चाहिए, मैं रफ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन 90 ग्राम अमोनिया। मेरे को गिवन मास कितना है, 90 ग्राम दे रखा है, इसका मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, एम इज इक्वल टू NS3, एन का होता है 14 और 3H कितना हो गया, 17, 17 ग्राम आ गया, राइट। तो मेरे को मोल मिल गया, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, मेरे पास मोल मिल जाएगा, तो कितना आएगा, 17 5 जा, फिर 17 2 समथिंग, 5.2 मोल आएगा, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको मॉलिक्यूल निकालना है ना कि मोल, मोल आने के बाद मॉलिक्यूल आएगा, राइट। एक बॉक्स के अंदर अमोनिया भरी हुई है बहुत सारी, इसमें कितने पार्टिकल्स घूम रहे हैं अमोनिया के, वो फाइंड करना है। तो पहले आप मोल तक पहुंचो, क्योंकि एक मोल में इतने होते हैं, अगर मोल पता है आपको कितने मोल है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 5.2 मोल आ गया अपने पास में, राइट, बिकॉज इन 1 मोल कितने होते हैं, 6.022×10², होता है, देन इन 5.2 मोल कितना होगा, 5.2×6.022×10², इनको मल्टीपल करो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क होमवर्क है आपके लिए, कैलकुलेशन अपने आप करोगे। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द मोल ऑफ 20 ग्राम वाटर, आपको सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मोल ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम वाटर का सिर्फ मोल पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम, ये होता है। तो एम दे रखा है गिवन मास, एम मतलब स्मॉल एम, क्या होता है कि जो ग्राम में मास दे रखा है, 30, 20, 40, 50 जो भी दे रखा है, वो गिवन मास कितना आपको वेट दे रखा है। ठीक है, तो वो कितना है, 20 ग्राम है। अब मोलर मास कितना था वाटर का, H2O 18, कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल लिखते हैं इसको, मोलर मास को अपन ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, तो H2O मीन्स दो हो गया H का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है 16, तो कितना गया, 18, तो डिवाइड को 18 कितना आता है, तो कितना गया मोल, 1.1 समथिंग आएगा, हाँ 1.1 मोल आएगा। तो अब आपको सिर्फ मोल ही पूछा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछा है, तो यहाँ तक आके रुक जाना है, सिर्फ मोल ही पूछा है, राइट। ये दो उतार फटाफट, फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 12 ग्राम CH4। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन
CH4 एक बॉक्स में 12 ग्राम CH4 है, कितने ग्राम है 12 ग्राम, तो इसमें कितने प्रोटॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो बहुत डीप पूछा हुआ आपको ये क्वेश्चन, इसको आ गया मोल क्लियर है। तो 12 ग्राम दे रखी है CH4, तो इसमें कितने प्रोटॉन घूम रहे हैं पूरे इस वॉल्यूम के अंदर, इतने इतने अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो पहले आपको CH4 के कितने पार्टिकल से वहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां पर कितने CH4 है वो आपको फाइंड करना है, कितने CH4 है वो फाइंड करना है। ठीक है, अगर CH4 पार्टिकल के पास पहुंच गए तो फिर आप नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन, एक CH4 में कितने होते प्रोटॉन, CH4 है, CH4 तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होता है प्रोटॉन, एक, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर 4, तो 4 हो गए प्रोटॉन किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो 4 प्लस कार्बन कितना होता है प्रोटॉन, 6, तो कितना हो गए 10, टोटल एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। तो लास्ट में अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए तो 10 से मल्टीपल करोगे तो आपको कितने प्रोटॉन घूम रहे हैं वो मिल जाएंगे। क्लियर, तो फटाफट कर रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट आप मोल फाइंड करो, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास दे रखा है कितना इसका 12 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है CH4 कितना होता है मोलर मास, 12 प्लस 4 16 है ना, 12 प्लस 4, देखो इधर CH4 का मोलर मास कितना होता है, 12 प्लस 4 16 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल, तो कितना हो गया 16 से डिवाइड किया मोल मिल जाएगा कितना आएगा 0.7 है ना, हाँ 0.7, 16 7 जा, थोड़ी मैथ कमजोर है मेरी, हाँ 7 टाइम। ठीक है, तो 0.7 आएगा आपका मोल आ गया। अब बिकॉज इन वन मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 × 10⁻³ होते हैं, होता है क्लियर, देन इतने जो इतने मोल दे रखे हैं उसमें कितने हैं, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.7 मोल कितना आएगा 0.7 मल्टीपल 6.02 × 10⁻³। डाउट, इतने पार्टिकल्स घूम रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 दैट इज व्हाट 10 है कि नहीं भाई, 6 इसके 4 इसके तो कितना हो गया, हो गया 10। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए मेरे को 0.7 मल्टीपल 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो इसको इससे मल्टीपल कर दो 10 मल्टीपल 0.7 मल्टीपल 6.02 × 10⁻³। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस पूरे बॉक्स में कितने प्रोटॉन घूम रहे हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फटाफट आप सॉल्व करो। राइट भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ कि एक बॉक्स दे रखा है मेरे पास में, उसमें 100 बिस्किट के पैकेट पड़े हैं, कितने 100 बिस्किट के पैकेट पड़े हैं, बहुत सारे पैकेट पड़े हैं बॉक्स बिस्किट के,
पार्ले जी के कितने और टोटल 100 है ना। एक पैकेट में 10 बिस्किट आते हैं, कितने आते हैं 10, बताओ इस पूरे बॉक्स में कितने बिस्किट हैं। तो सिंपल सा है कि टोटल कितने बॉक्स है 100, एक बॉक्स में कितने हैं 10, तो 10 मल्टीपल 100 कितना हो गया 1000। टोटल कितने बॉक्स कितने हैं इसमें बिस्किट हैं, बॉक्स में 1000 बिस्किट है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, एक मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन है 10, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे इसको 10 से मल्टीपल कर लो। क्लियर, और इजीली समझना पॉसिबल नहीं है जितना हो सके मैं इजी समझा रहा हूँ आपको। डाउट, चलो पॉज करो, नोट करो, फिर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल एंड A2O, क्वेश्चन नंबर 4। आपको मास पूछ लिया तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं। तो मास पूछ लिया, इस बार मोल दे रखा है, 3 मोल दे रखा है, तो 3 मोल दे रखा है इनटू मोलर मास से मल्टीपल करेंगे तो मास निकल जाएगा। अब मोलर मास कितना होता है Na2 का, एम ऑफ Na2O दैट इज व्हाट 23, एक Na का होता है 2, तो कितना हो गया 46, राइट। तो 46 प्लस 16 कितना हो गया 5 × 6 = 62 ग्राम आ गया, 6 × 6 = 12 बन गया कैरी, तो 5 × 1 = 6, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3 × 62 = mass of Na2O, इसको आपको मल्टीपल करना है। मास ऑफ Na2O कितना आ गया 126 ग्राम, इतने ग्राम आपके पास Na2O पड़ा है, ठीक है। कैसे हो गई है 3 × 6 और 3 × 6 = 18 होता है, 186 ग्राम आपके पास Na2O पड़ा है। तो आप मोल से मास भी निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन है, फाइंड द मोल प्रेजेंट इन दिस मच पार्टिकल्स। ये लास्ट जो मैं आपको बताया था फॉर्मूला, कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो आप मोल फाइंड कर सकते हो। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्टिकल्स है 12, हाँ पहले सर को टोटल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 12.044 × 10⁻³, बिकॉज इन 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है 6.022 × 10⁻³, देन मोल कितना हो गया इजिकल टू टोटल पार्टिकल्स अपॉन 6.022 × 10⁻³, तो कितना हो गया 12.044 × 10⁻³ upon 6.022 × 10⁻³, खड़ी आपस में क्या बच गया, ये 2 टाइम जा रहा है इससे 6 × 12 और कहाँ से जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब कितना आता है वो डिवाइड करो आप, ठीक है। ये 2 टाइम जा रहा है तो 2 आ गया, 2 मोल, क्लियर। ऐसे आप इन फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आगे अपन और भी बात करेंगे, क्वेश्चंस और लेंगे, फिलहाल तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके आसपास बुक्स के अंदर है तो उनको ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। इन क्वेश्चंस के ऊपर ही सारे सॉल्यूशन होता है, राइट। थैंक यू और गुड डे।